नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और इस वक्त मैं हूं भोजपुरी फिल्म जान लेबू काहो के सेट पर, जिसके हमारे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव हीरो हैं। और ये देखिए, हीरो के दो हीरोइनें हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब मैं नीच पूछ लेता हूं हीरोइन ही कौन है, जरा बताइए, परिचय दीजिए मैडम आप। नमस्कार, मैं नीलम पांडे। नमस्ते, मैं ईशा परीख। तो जैसा कि मैंने बोला, इस फिल्म के हीरोइन हैं आप दोनों, तो जरा बताएं आखिर मैं सही बोला या गलत बोला हूं। फिल्म में हीरोइन तो अक्षरा जी हैं। अच्छा। और हीरो है जो दिनेश जी हैं। हाँ। और इसके प्रोड्यूसर है श्रेयस श्रीवास्तव। और डायरेक्टर है केडी सर कपूर। यस। और काफी अच्छी मूवी है, पारिवारिक मूवी है। मेरे लिए तो खैर ये पहली मूवी है भोजपुरी, पर इसकी स्टोरी इतनी प्यारी है तो मैंने इस भोजपुरी मूवी के लिए हाँ कही। तो आप बताइए, यानी आपकी फर्स्ट भोजपुरी है? या, ये मेरी पहली भोजपुरी है। वैसे पहले आप क्या करती थी? पहले मैंने काफी कुछ किया है, बालाजी का किया है, सोनी किया है, और डीडी बिहार किया है। डीडी बिहार तो काफी अच्छा चला था मेरा, लक्ष्मी करके सीरियल था। और मूवीज किए हैं, और कुछ लाइनअप है और कुछ रिलीज होने में है। वैसे आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू मैम। आप बताएं क्या कर रही हैं फिल्म में? मैं इस फिल्म में दिनेश जी की माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन बहुत सॉफ्ट है ये। मतलब ये एक पारिवारिक फिल्म है, और जो हमारा घराना दिखाए हैं, एक ठाकुर का घराना दिखाए हैं, और मैं ठाकुराइन कहती हूँ, बट बहुत ही सॉफ्ट है। ठाकुराइन गोड़ लगा था नहीं? आ, खुश रही। ठाकुराइन जो ठाकुराइन दूसर की बड़ी झगड़ा होला कि ना तुम्हारा? मैं जेठानी हूँ, ये मेरी देवरानी है, बहुत स्वीट है ये, बहुत स्वीट। तो झगड़ा तो होता होगा जेठानी देवरानी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हम ना सेट पे झगड़ा करते हैं ना, हम एक बात बताएं आपको। सास, जेठानी, देवरानी, हम लोग तीनों एक ही रूम में रहते हैं और इतने मिलके रहते हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जहाँ स्वीट होता है वहाँ चिली होना जरूरी है, दोनों का मिक्सर नहीं होगा ना, मजा नहीं आता। अभी तक तो हुआ नहीं, करेंगे, हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं दिनेश लाल यादव जी के बारे में जरा जानकारी लेते हैं। कैसा रहा उनके साथ आप दोनों का शूट करके, कितना मजा आया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैंने इनके साथ पहले भी एक काम कर चुकी हूँ, पटना से पाकिस्तान, उसमें मैं अम्रपाली की माँ थी, तो उस समय से मैं इनको जानती हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत माइंड ब्लोइंग, क्या कह सकते हैं आपकी नज़र में। मैं तो ये कहना चाहूँगी, वो इंसान से ज़्यादा उनका व्यवहार बहुत प्यारा है। और हम जब सेट पर जाते, मुझे लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है भोजपुरी, मैं सामने से बोल रही हूँ, क्योंकि पहली मूवी है, वो मुझे कभी कभी सिखाते भी हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। और अक्षरा जी भी बहुत ही प्यारी है और कोऑपरेटिव है। सारी यहाँ जो भी यूनिट है बहुत मिलजुल के काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे ज्यादा संजय जी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। पांडे जी, ऐसे तो यादव पांडे को भोजपुरी इंडस्ट्री में राज है, आप भी पांडे हैं, जरा बताएं आपके साथ और कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं, जरा सबका नाम बताएं। यहाँ पे है शंकर मिश्रा जी जो हमारे हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं, और जफर खान जी हैं जो मेरे ससुर जी हैं। हाँ। और मनोज टाइगर हैं जो मेरे बड़े बेटे का कैरेक्टर कर रहे हैं, थोड़ा सा और नाम सो। और दिनेश जी हैं मेरे बेटे हैं, अक्षरा जी हैं जो हीरोइन का कैरेक्टर कर रही हैं, और एक और हैं महिमा गुप्ता करके जो सेकंड रोल कर रही हैं। और आज एक हमारे विलन साहब आए हैं जिनका नाम है दीपक भाटिया, तो वो थोड़ा टॉर्चर करेंगे हम लोग को, तो मज़ा आएगा। टॉर्चर जहाँ प्यार मोहब्बत होती है वहाँ टॉर्चर भी ज़रूरी होता है। हाँ, संतोष पहलवान जो कि हल्फा मचा के गर्ल में मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर किए थे, और अभी हमारे अपोजिट नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। हम चाहते हैं संतोष जी को भी इंटरव्यू मिले। संतोष जी आपका स्वागत है। और एक नाम है जोया खान को आप भूल गए। तो ये देखिए, जय हिंद सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। तिरंगा में लिपटे हुए आप जी? ये मेरे पूर्व हस्बैंड है जो कि अभी यहाँ भी पहुँच गए। यार ये तो बहुत गलत काम है, पूर्व जिंदा आदमी को पूर्व बना देते। रियल में अभी तक कितने बदले होंगे? रियल में नहीं, रियल में अभी शादीशुदा नहीं है। नहीं, वो संतोष जी, जी दो हीरोइनें आपके राइट और लेफ्ट खड़ी, किससे पहले शादी करना चाहेंगे? शादी तो मेरी हो चुकी है, पर फिल्म में तो किसी के साथ शादी हो सकती है। आज अगर हम मौका दे तो दोनों में से किससे पहले शादी करना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, मुझे मरना नहीं है। चलिए हमारे बीच में संतोष पहलवान जी, और कुछ जानकारी लेते हैं। संतोष जी क्या कर रहे हैं इस सिनेमा में जान लेबू का, तो किसका किसका जान लेने वाले हैं आप जो विलेन? मैं इसमें गांव का विलेन बना हूं, भद्र प्रताप सिंह। हाँ। जो एक पहलवान है और नेगेटिव कैरेक्टर है,
खाली दिनेश जी से इसमें कुश्ती भी होगी और मैं दिनेश जी के फादर का एक तरह से एंटी हूँ। मतलब इस बार नाम का सही उपयोग करने वाले पहलवान का पहलवानी जी दिनेश जी के साथ में। तो दोस्तों ये संतोष पहलवान जी हैं, ये रियल में पहलवान हैं और इस बार रियल में दिनेश जी के साथ कुश्ती करने वाले हैं। और जानते हैं फिल्म के जो हीरोइन हमारे उसके बारे में आपकी क्या सोच है? अक्षरा जी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं और उनके साथ मुझे ये लग रहा मेरी पहली फिल्म है। इससे पहले हम लोग किए थे बलम जी लव यू, उसमें उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था, तभी नहीं मैंने। अच्छा, पहली बार काफी टाइम के बाद दिनेश जी और अक्षरा जी की जोड़ी आ रही दर्शकों के बीच में, हमेशा अमरपाली जी के साथ आती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों के बीच में? हाँ, ये थोड़ा नया कॉम्बिनेशन है, लोगों को मजा आएगा। काफी दिनों बाद, लगभग 5-6 साल बाद ये लोग साथ फिल्म कर रहे हैं, बहुत डिफरेंसेस हुआ है इसमें, तब तक बहुत अच्छा होने वाला मुझे लग रहा है। मंसी जो है अच्छी आ रही है, क्योंकि किरण जी उनकी हमेशा माँ बनती है। मतलब आप इस बार बढ़िया से पिटने वाले हो? पिटने वाले नहीं हो, कुश्ती लड़ने वाला हूँ। फिल्म में खलनायक दीपक भाटिया जी भी हैं, क्या आपकी सोच है उनके साथ? वो शहर के विलेन बने हुए हैं, मैं गांव का विलेन बना हूँ। अच्छा, वो अमीर है, आप गरीब विलेन हो? हाँ, गांव में जैसा चलता है थोड़ा टेंशन वाला रहता है। हाँ। वो तो बहुत बड़े कलाकार है, अच्छे कलाकार। पांडे जी, दिनकर जी के बारे में क्या सोच है, के डी डायरेक्टर के बारे में आपकी, कैसा रहा काम करके उनके साथ? एक वेल एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं, जो उनके साथ में एक हिंदी फिल्म कर चुकी थी नज़दीकियाँ, जो कि श्रेया जी ने ही प्रोड्यूस किया था, उसमें भी हीरो की माँ थी मैं, तो अच्छा लगा था उस टाइम भी काम करके। और इस बार मतलब हमेशा माँ का ही रोल कर, हीरोइन को तो रोल कर दीजिए। अगर मैं संतोष जी को नेक्स्ट पिक्चर के लिए हीरो में साइन करता हूँ, हीरोइन आप रहोगे? अच्छा, दो हीरोइन वाली कहानी हम लोग बनाते हैं और हीरो हमारे संतोष जी रहेंगे। आप रेडी हैं हीरोइन के लिए? इतने हैंडसम हीरो मिलेंगे तो क्यों नहीं। अरे बाप रे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सौभाग्य हमारे। चलिए हम लोग चलते हैं सेट पे। और इस शूटिंग की कहाँ चले जा रहा है दर्शकों को बताएं? शिवगढ़ किला है यहाँ पे अभी तक, तो शिवगढ़ पैलेस। हाँ, शिवगढ़ पैलेस में। और महारानी लेप में है राई? हाँ। क्यों, महारानी आप ही है पैलेस की? अरे मुझे लगता तो ऐसा है, मतलब फील ऐसा होता जब मैं इंटर करती हूँ ये महल मेरा है। अच्छा, ऐसा लगता है मुझे तो। बहुत अच्छा है महल तो, बहुत अच्छा। चले जाते तीनों लोग दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि संजय जी का सपोर्ट करें एंड इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। संतोष जी, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अब फिल्में एक बार कोरोना के बाद से अच्छी बनने शुरू हो गई हैं और जल्दी मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना प्यार दीजिए और हमारे जो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे पीआरओ हैं, प्रचारक हैं, हमारे संजय भूषण जी हम लोगों के बहुत ही प्रिय भाई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी आशीर्वाद हम लोगों पर और संजय जी पर भी बना रहे और इंडस्ट्री ग्रोथ करे, मजा आए। ये बहुत जानते हैं, ये नहीं रहते हैं तो सेट एकदम सुना लगता है, और यही आते हैं तो थोड़ा रौनक आ जाती है। ऐसे झूठ मत बोलिए ईसा जी, आप सच्चाई बता दीजिए क्या है? आप तो हमेशा चोरी करते रहती हो, मैं देखता हूँ संतरे खाते रहती हो सेट पे जाके। संजय भाई, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में संजय भाई ही ऐसे प्रचारक है कि बिंदास जिस चीजों को लोग छुपाना चाहते हैं उस पर भी बात करते हैं। yes. तो ये बहुत बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। मतलब आज संतोष पहलवान का पुल खुल गया है। हाँ। कि दो हीरोइनों से शादी करने वाले हैं। तो बताइए मैडम, कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पारिवारिक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है और आप देखिएगा रिलीज होने के बाद थिएटर में। और संजय जी को, हमारे संजय जी को बहुत प्यार दीजिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजाइएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।